पाटीदार की बात करेगा और यूपी का राज करेगा। धनगर की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा। अलीगढ़ के जिला मुख्यालय पर बड़ी तादाद में धनगर समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र बनवाने की मांग को लेकर पहुंचे। धनगर समाज के लोग अपनी जाति प्रमाण पत्र की लगातार मांग कर रहे हैं। धनगर की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा। मुख्यमंत्री के आदेश पर प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि अगर 7 दिन के अंदर उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बने तो वे उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। धरना दे रहे हैं। 2009 में एक 40462 हमने याचिका डाली थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने हमारे फेवर में आदेश किया कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी किए जाए। उसके बाद में सपा सरकार में जियो जारी हुए, परंतु अनुपालन नहीं हो पाया। सरकार सपा जाने के बाद में सपा या भाजपा आ गई। भाजपा सरकार में जियो जारी हुए, परंतु अभी कोई भी सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे। 24/1/2019 को एक जियो जारी हुआ था, जिसमें स्पष्ट आदेश किया गया था कि धनगर समाज के सर्टिफिकेट जारी किए जाए अनुसूचित जाति मानते हुए, परंतु अभी तक 2019 से हम लोग अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद में तरह तरह के बहाने लगा के नष्ट कर दिए जाते हैं सर्टिफिकेट हमारे नहीं बन रहे, जिससे लोग नौकरी करने वाले परेशान हैं। उन्हें नौकरी, अब तो बच्चे ओवरएज हो रहे हैं, नौकरी लग जानी चाहिए थी उनकी, पर सर्टिफिकेट नहीं बन रहे, तरह तरह के बहाने लगा के कैंसिल किए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ धरना दे रहे हैं। धनगर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे बबलू होलकर ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के हजारों की तादाद में लोग अलीगढ़ में निवास करते हैं और 2019 में प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जनपद के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने अपने क्षेत्र के धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनवाएं, लेकिन अलीगढ़ में धनगर समाज के लोगों के जाति प्रमाण पत्र अब तक नहीं बनाए जा रहे। एक दिवसीय धरना जिला कलेक्ट्रेट अलीगढ़ पर दिया जा रहा है। हमारी मांगे ये हैं, शासन प्रशासन दोनों मिलकर हमारी समाज को गुमराह कर रहे हैं। शासन का आदेश होता है कि धनगर प्रमाण पत्र बना दिए जाए, उसके बावजूद अगर धनगर प्रमाण पत्र नहीं बनाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की मिली भगत है। आज जनपद अलीगढ़ के समस्त धनगर समाज द्वारा यहां जिला कलेक्टर पर धरना दिया जा रहा है। अगर हमारी मांगें नहीं सुनी गई तो एक हफ्ते बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जो धनगर की बात करेगा वो यूपी पर राज करेगा। आपके धनगर समाज ने ठान लिया है, जो धनगर के प्रमाण पत्र बनाएगा वो धनगर समाज उसके साथ होगा, इसलिए हम मांगे करते हैं सरकार से कि हमारे धनगर। वही प्रदर्शनकारियों ने ये भी बताया कि उन्होंने विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला अधिकारी से मांग की है कि 7 दिन के अंदर धनगर समाज के सभी लोगों के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाए, अन्यथा वे लोग सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। 24/1/2019 में शासन आदेश होने के बावजूद भी शासन और प्रशासन की मिलीभगत होने के कारण ये धनगर समाज को ठगा जा रहा है। बार बार यही कार्यक्रम 2019 में भाजपा सरकार ने भाजपा मैदान में धनगर के सम्मान में इसी तरह का कार्यक्रम करवाया था और उन्होंने वोट पाए, हमारे समाज को ठगा, परंतु सर्टिफिकेट जारी नहीं किए। धनगर समाज अब किसी छलावे में नहीं आएगा, वो एकजुट है। और जो सरकार हमारी सुन नहीं रही, जो डबल इंजन की सरकार है प्रदेश में केंद्र में, तब भी सुनवाई नहीं हो रही तो बिल्कुल बहिष्कार करेंगे। फिलहाल इस मामले में अधिकारियों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन इस मामले में आगे क्या कार्रवाई की जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। जो धनगर की बात करेगा वो यूपी में राज करेगा। पत्र जारी करो।